हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज मी यशवंत कुमार एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। गाइज, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टॉप 5 हाई प्रोटीन फूड और सो भी वेजिटेरियन हाई प्रोटीन फूड। बात करने वाला हूँ टॉप 5 कौन कौन सी वो फूड है जिससे आप खा करके अपने प्रोटीन गोल को पूरा कर सकते हो। ठीक है, जितनी आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, आप वेजिटेरियन हो तो आप इन फूड को खा करके अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि कौन से है वो 5 फूड। तो हमारे लिस्ट में जो सबसे नंबर 1 पे है गाइस, वो है लेंटिल्स। अब लेंटिल्स क्या होता है, जैसे कि दालें, जितनी भी पल्स है दालें हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा मात्रा में प्रोटीन हमें मिल जाता है। एंड आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय खानों में, देसी खानों में दालें का यूज़ होता है। आप चावल खा रहे हो उसके साथ दाल खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो उसके साथ दाल खा रहे हो, तो बेसिकली दाल आपको कितना खाना चाहिए। ठीक है गाइस, तो देखो हमारे इंडियन खाने में थोड़ी सी प्रोटीन की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन आप इसे बैलेंस कर सकते हो। तो कोई भी दाल है, जो भी दालें हैं, चाहे जितने भी प्रकार की दाल हो, वो लेंटिल्स के अंदर आता है और उसमें आपको मिल जाता है लगभग 18 से 20 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम में। तो अगर आप 100 ग्राम पूरे दिन का खा रहे हो तो उसमें आपको 18 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एंड आप कह सकते हो इसे हाई प्रोटीन, वो है सोया चंक्स। तो सोया चंक्स आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें अगर आप वेजिटेरियन हो तो, क्योंकि सोया चंक्स ही एक ऐसा फूड है जिससे आपका प्रोटीन इंटेक बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में और बहुत ही कम पैसे में पूरा हो जाएगा। क्योंकि इसमें 100 ग्राम में, मात्र 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन मिलता है सोया चंक्स में। तो दूसरे नंबर पर हमारा सोया चंक्स है। सोया चंक्स को ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करें अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। ठीक है, पहला लेंटिल्स, दूसरा सोया चंक्स एंड तीसरी बात करें तो तीसरा है मिल्क। डेफिनेटली मिल्क में भी काफ़ी अच्छा मात्रा में प्रोटीन, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन उसमें भी पर 100 ग्राम में पाया जाता है। तो गाइस देखो, मिल्क एक ऐसा आप कह सकते हो, ड्रिंक कह सकते हो, फूड कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, ठीक है, वो ऐसा इतना न्यूट्रिशन से भरपूर है ना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब बेबी का जन्म होता है, जब कोई बच्चा बॉर्न लेता होता है, ठीक है, तो वो सिर्फ दूध पे ही साल दो साल तक उसकी सारी न्यूट्रिशन कि जो कमी है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, उसे कोई और चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सोच लो कि दूध में कंप्लीट न्यूट्रिशनल है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप मिल्क को डेफिनेटली अपने डाइट में इंक्लूड करें, ठीक है, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, बहुत सारे विटामिन मिल जाएंगे। एंड जो हमारे चौथे नंबर पर है गाइज, वो है पनीर। पनीर को मैं चौथे नंबर पर इसलिए रखा हूँ क्योंकि गाइज इसमें जितना प्रोटीन होता है ना उतना फैट भी होता है। तो फैट बहुत सारे लोग नहीं खाना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है, तो आप पनीर को आप ले सकते हो अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम नहीं हो, मतलब पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप पनीर को भी ऐड कर सकते हो अपने डाइट में गाइस। आपको उसमें भी 18 से 20 ग्राम मिल जाएगा आपको प्रोटीन, लेकिन उसके साथ साथ उतना फैट भी मिल जाएगा। अगर 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो आपको 18 ग्राम उससे फैट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये बात अपना ध्यान में आप रखें कि अगर आप कटिंग वगैरह कर रहे हैं, सिक्स पैक निकाल रहे हैं, तो आप प्रोटीन मतलब कि पनीर को अवॉइड ही करें। अब बात करते हैं पाँचवें नंबर की गाइस। तो पाँचवें नंबर पर हमारा जो है वो है मूंग और चना। तो मूंग और चना भी आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें गाइस। अगर आप मूंग चना अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उससे तो आपको बहुत अच्छा खासा मात्रा में फाइबर मिलेगा पहली चीज़, और दूसरा उसमें मिल जाएगा 22 से 24 ग्राम तक प्रोटीन। अगर आप मूंग खाते हो तो उसमें 22 से 24 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा आपको, तो उससे आप काफ़ी ईजिली अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकते हो गाइस। एंड मूंग में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, चना में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, उससे ताकत भी मिलता है। तो आप ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करें अगर आप वेजिटेरियन हैं तो, मूंग चाहे चना आप अपने डाइट में यूज़ कर सकते हो, सो डैट कि आपका प्रोटीन का जो गोल है वो पूरा हो सके। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। मैंने 5 सोर्स बताया, 5 सोर्स आप वेजिटेरियन हो यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली आपका प्रोटीन इंटेक जरूर पूरा हो जाएगा गाइस। तो वीडियोज़ कैसी लगी ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नॉन वेजिटेरियन के लिए, जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए प्रोटीन का सोर्स क्या हो सकता है। तो भाई वीडियोज़ में बने रहिए, अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।